ये है दिल्ली दर्पण दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। जीवन में शिक्षा, साहित्य, संगीत और कला हो तो जीवन और बेहतर बन जाता है। कुछ ऐसा ही संदेश देती है स्वर अनंत परिवार की म्यूजिक एल्बम मन समर्पित। नई दिल्ली में जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सामाजिक चेतना और देशभक्ति की भावना लिए हुए इस म्यूजिक एल्बम का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर गीत संगीत की तो शानदार प्रस्तुति हुई ही, साथ ही शिक्षा, साहित्य, संगीत और समाज पर चर्चा भी हुई। इस चर्चा में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस मौके पर हर उम्र और वर्ग के लोगों ने देशभक्ति और साहित्य संगीत के विषय में अपनी रुचि दिखाई और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये म्यूजिक एल्बम स्वर अनंत द्वारा किया गया प्रथम प्रयास है जो निरंतर आगे भी जारी रहेगा। मन समर्पित एक म्यूजिक एल्बम था जिसका लोकार्पण हुआ आज, और इसमें खास बात ये थी कि साहित्य, संगीत, समाज, शिक्षा, जो कि कहीं ना कहीं हम सब उसके मूल तत्व को भूलते जा रहे हैं, उसमें जो असली उपयोगी बातें हैं वो कहीं दूर हो रही हैं और बाकी सब चीज़ें आगे आ रही हैं, तो समाज को कहीं ना कहीं उस दिशा में ले जाने के लिए, उसको उनसे जोड़े रखने के लिए ये एक प्रयास शुरू हुआ है। ये प्रयास आगे भी चलता रहेगा और हमें बहुत खुशी है कि इसमें अपने अपने क्षेत्र के तमाम जो विशेषज्ञ थे और जो ख्याति प्राप्त लोग थे वो सब इसमें शामिल हुए, चर्चा में शामिल हुए और मंच पर उपस्थित रहे। ये 3 घंटे लगातार जो कार्यक्रम चला इसमें सभी की उपस्थिति पूरे समय बनी रही, ये सबसे खास बात थी। तो ये पहला प्रयोग था जो हमें काफ़ी सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है और भविष्य में ऐसे कार्यक्रम स्वरानंद और भी आयोजित करेगा, ऐसा हमें आज काफ़ी उत्साहवर्धन हमें मिला है इस कार्यक्रम से। करीब 3 घंटे तक चले इस समारोह में पंडित भीमसेन जोशी के शिष्य पंडित हरीश तिवारी, श्रीमती मैत्रीय पुष्पा, श्रीमती अतिशी मलिना और साथ ही आम आदमी पार्टी के आशुतोष, दिलीप पांडे, संजय सिंह और नितिन त्यागी जैसे कई नेता भी शामिल हुए। सभी लोगों ने कार्यक्रम की तारीफ की और आग्रह किया कि ऐसे कार्यक्रम बार बार आयोजित कराए जाएं, इससे लोक संगीत की खूबसूरती को समझ पाएं। इस एल्बम में आप पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने भी एक गीत की रचना की है और इसे गाया भी है। आज मन समर्पित नाम के म्यूजिक एल्बम का लॉन्च था। आज का दिन बड़ा खास था, आज़ादी के 70 साल पूरे होने का देश उत्सव मना रहा था और ऐसे दिन पे मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता कि जब देशभक्ति की भावना और सामाजिक चेतना से ओतप्रोत एक म्यूज़िक एल्बम लॉन्च किया जाए। मेरे गुरुजी की कृपा से इस एल्बम में 5 गीत हैं और में से 1 गीत मैंने भी गाया है। महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण वो है कि ये जो म्यूज़िक एल्बम है जिस प्रकार का संदेश देना चाहता है वो संदेश महत्वपूर्ण है कि कैसे संगीत जोड़ता है, कैसे संगीत इबादत के बराबर है और जिस प्रकार का की प्रतिक्रिया मिल रही है लोगों से, लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि ये कार्यक्रम सभी के सहयोग से ठीक तरीके से हो पाया। इस आयोजन के दौरान पूरे समय साहित्यमय संगीत ही छाया रहा। मन समर्पित का संगीत जिस तरह से इस आयोजन में सबको बहुत पसंद आया, उसे देखकर कहा जा सकता है कि श्रोताओं को भी ये बहुत पसंद आने वाला है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए यश गोयल के साथ विधि धनखर की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर